परिवार बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आधे अक्षर वाले शब्द और ए की मात्रा। तो सबसे पहले हम करेंगे ए, ठीक है बेटा? ये ए है, आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये ए है, इसके ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो दो मात्राएं है, और ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती तो उसका सिंबल है एक मात्रा, ठीक है? तो यहाँ पे ए का सिंबल है दो मात्राएं, यानी कि व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं लगेगी तो ए की आवाज आएगी। तो जैसे क, क के ऊपर ए की मात्रा जो है वो हेड के ऊपर होती है, तो ये क की ये जो लाइन है इसके ऊपर ये दो मात्राएं इकट्ठी लगेंगी ऐसे, तो क्या बनेगा? कै। इसी तरह म, म के ऊपर ए की मात्रा तो क्या बनेगा? मैं, ठीक है? मैं और कै। इसी से रिलेटेड हम शब्द बनाएंगे और इनके शब्दों में भी वही आवाज वैसे ही आएगा। तो कैसे बनाएंगे? पहला है म, म को ए की मात्रा, ल, ल को आ, मैला, क्या बना? मैला। इसी तरह अ, प को ए की मात्रा, र, पैर, फिर स, स को ए की मात्रा, र, सैर, फिर है च, च को ए की मात्रा, न, चैन। इसी तरह नेक्स्ट है ख, ख को ए की मात्रा, खैर, खैर, क्लियर? मैला, पैर, सैर, चैन, खैर। इसी तरह हम और भी इसके शब्द बनाएंगे, जैसे थ, थ को ए की मात्रा, ल, ल को आ, थैला, ठीक है? इसी तरह आगे है फ, फ को ए की मात्रा, ल, ल को आ, पहला, फिर है ह, ह को ए की मात्रा, र, र को आ, न, हैरान, फिर है आगे क, क को ए की मात्रा, कै, ल को आ, श, कैलाश, फिर है ब, ब को ए की मात्रा, बै, ल, ग, ग को आ, ड, ड को ई, बैलगाड़ी। तो ये क्या बन गया? पहला है शब्द बैला, पैर, सैर, चैन, खैर, थैला, पहला, हैरान, कैलाश, बैलगाड़ी। इस तरह आपको मैंने 10 शब्द लिखने सिखाए हैं और आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर 15 शब्द लिखने हैं। पहले तो आप बुक के स्केल देख के लिखते थे, लेकिन अब रिवीजन है, अब आपको लिखने आ गए हैं, तो आपने अपने आप ये शब्द जो है वो बनाने हैं। तो बच्चे इसी से संबंधित आपका पाठ है। क्या है पाठ में? पहला है ब, ब को ए की मात्रा, ल, बैल। इसी तरह थ, थ को ए की मात्रा, ल, ल को आ, थैला। म, म को ए की मात्रा, न, न को आ, मैना। फिर है त, त को ए की मात्रा, र, र को आ की मात्रा, क, तैराक, ठीक है? स्विमर को बोलते हैं तैराक। आगे है स, स को ए, न, न को छोटी ई, क, सैनिक। फिर है ब, ब को ए, ल, ग, ग को आ, ड, ड को ई, बैलगाड़ी, ठीक है? अब इसी से संबंधित पाठ है, पैर, सैर, तैर, खैर, गैर, थैला, मेला। अब मेला नहीं है, मेला, ठीक है? म को अगर एक ही मात्रा हो और ल, ल को आ, मेला बनेगा, लेकिन अगर म, म को आ, दोनों के मीनिंग और अर्थ अलग है। म, म को एक ही मात्रा, ल, ल को आ, शब्द सेम है, अक्षर सेम है, मात्राएं फर्क है एक ही और एक ही, तो दोनों में शब्द जो है टोटली चेंज हो जाते हैं, एक मेला और दूसरा मेला, ठीक है? इसी तरह एक आगे है फैला, छैला, पैसा, शैतान, मैदान, हैरान, सैलाब, कैलाश, सैनिक, दैनिक, सुरैया, गवैया,
ततैया, नैनीताल, बैजनाथ, कैदखाना, मैलापन, बैठकर। तो ये सारे थे शब्द, इसी से रिलेटेड आपका पाठ है। पाठ है भैया जी की रेल। तो ठीक है, ये क्या है, कविता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? भैया जी की रेल चली, ऐसी है ये रेल बली, सैनिक मैना व गवैया, साथ इनके बैठी मैया, ऐसी है ये रेल बली, भैया जी की रेल चली। आगे इसी से संबंधित, एक ही मात्रा से संबंधित वाक्य है, यानी पाठ है, नाम है कैलाश। कैलाश उठ, पैदल सैर करने मैदान जा, पैर फैला कर मत बैठ, बैठक की सफाई कर, मैले कपड़े उधर रख, शैली शैतानी मत कर, कैलाश शैली का भाई है, कैलाश अपनी मैया के पैर छू। तो ये था आपका पाठ कैलाश। इस पाठ के संबंधित, एक ही मात्रा से संबंधित थी एक्सरसाइज है, पेज है 41। पहला है चित्र देखकर शब्दों को पूरा करो। तो पहला है मरा, और उससे पहले आपने एक शब्द लगाना है, मात्रा लगा हुआ। तो ऊपर पिक्चर बनी है कैमरे की, तो लिखोगे कैमरा। फिर एक पिक्चर बनी है चोर की, डकैत की, तो यहाँ लिखेंगे ड क को एत, डकैत। फिर है एक पक्षी बना हुआ है जिसका नाम है मैना, तो यहाँ लिखोगे मैना। फिर प प को ए पैराशूट। इसी तरह आपके यहाँ शब्द दिए हैं, उनको एक ही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। पहला है सर, सर नहीं होता, क्या होता है, सैर, या सिर होता है या सैर होता है, सर कोई शब्द नहीं होता। नेक्स्ट है शैतान। फिर है दैनिक। फिर है थैला। फिर है कैलाश। आगे है नैनीताल। आगे है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। कैलाश सैर करने मैदान जा, यहाँ खाली है करने डैश जा, तो डैश में क्या आएगा, मैदान जा। कैलाश डैश की सफाई कर, तो यहाँ आप लिख सकते हो कैलाश बैठक की सफाई कर, कैलाश रसोई की सफाई कर, कमरे की सफाई कर, कुछ भी अप्रोप्रिएट शब्द आपने भरना है। आगे डैश कपड़े उधर रख, मैले कपड़े उधर रख, साफ कपड़े उधर रख, गंदे कपड़े उधर रख, जो भी अप्रोप्रिएट शब्द है वो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए। तो ये थी आपकी ए की मात्रा। दूसरा आज हम करेंगे आगे अक्षर। अभी तक मैंने आपको बताया था कि व्यंजन में कौन कौन से अक्षर जो है वो आधे हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको शब्द लिखना सिखाऊंगी आधे अक्षर वाले, और उसी से हम साथ में उसके रिलेटेड लेसन की रीडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द। तो पहला है, मैंने यहाँ पे ये देखो आधे अक्षर, वो मैं आपको बताती, कोई भी व्यंजन जिसे आधा लिख के लिखा जा सकता है उसको कहते हैं आधा अक्षर। जैसे ये क है, तो ये क ही आधा लिखा जा सकता है, ये क पूरा है और ये क आधा है, ठीक है। इसी तरह ये म पूरा है और ये म आधा है, फिर इसी तरह ये र पूरा है और ये र आधा है। तो आपने आधे अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, कोई भी शब्द व्यंजन, कोई भी व्यंजन आधा लगाकर आपने शब्द बनाना है। मान लिया आपके पेपर में आ गया 10 शब्द, आधे अक्षर वाले 10 शब्द लिखो, तो कोई भी आधे अक्षर आप लगा के शब्द जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ स आधा त य सत्य, इसी तरह त आधा थ य तथ्य, थ की अब तथ्य नहीं है, तथ्य, थ की आधी आवाज आ रही है। इसी तरह यदि श आधा व द, शब्द, शब्द नहीं, ये शब्द नहीं है, क्या है, शब्द, शब्द, क्लियर। इसी तरह एक मैं र अब लिखती हूँ, ये देखो ये कर,
से आपने बहुत सारे शब्द जो है वो बनाने हैं, जैसे ब आधा च बच्चा, इसी तरह देखो क आधा च च को आ कच्चा, क्लियर। इसी तरह प आधा प क को आ पक्का, क्लियर। आगे व आधा प त क को आ वक्ता, क्लियर। आगे म आधा च छ र मच्छर, इसी तरह म आधा क ख क को बड़ी ई मक्खी। तो ये थे आधे अक्षर, जो सारे ही आपने आधे आधे अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, क्लियर है बेटा। तो इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है, लेसन है और शब्द है। तो पहला है क, क को छोटा उ, आधा क, क को आ कुत्ता। इसी तरह ग, ग को छोटा उ, ब, व, फिर ब, व को आ, र, र को आ गुब्बारा। फिर है व्यायाम, इसी तरह आगे शब्द दिए हैं सत्य, तथ्य, रक्त, रक्त होता है खून, ठीक है। वक्त, वक्त होता है समय। शब्द, शब्दों को बोलते हैं कच्चा, सच्चा, बच्चा, अच्छा, मक्का, लस्सी, रस्सी, दिल्ली, बिल्ली, डिब्बा, गद्दा, अड्डा, मुरब्बा, छप्पर, स्मरण। और इसी से संबंधित एक पाठ है, नाम है कृष्ण और व्योम। कृष्ण और व्योम पक्के दोस्त हैं, दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। दोनों सुबह व्यायाम, व्यायाम होता है कसरत, व्यायाम करते हैं। कृष्ण ईश्वर का स्मरण भी करता है। ईश्वर का स्मरण करना भी ईश्वर को याद करना, स्मरण क्या होता है, याद करना, क्लियर। आगे है दोनों नाश्ता करके वक्त पर स्कूल जाते हैं। दोनों नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, दोनों ब्रेकफास्ट करके वक्त में समय पर स्कूल जाते हैं, ठीक है। वे अध्यापक को भी नमस्कार करते हैं, क्लियर है बच्चे। तो ये था आपका पाठ कृष्ण और व्योम। इसी से संबंधित आपका अभ्यास है, क्या है इसमें भी आधे अक्षर लगाकर आपने शब्द पूरा करना है। आधा प लगाकर कितने शब्द बनाए हैं, देखो तीन शब्द बनाए हैं हमने। आधा प य को आ स प्यास, आगे आधा प य को आ र प्यार, आधा प य को आ ज प्याज। इसी तरह व के साथ, आधे व के साथ भी तीन शब्द, पहला है व्यायाम, फिर है व्यापार, फिर है व्यक्ति। इसी तरह यहाँ पे रेड अक्षर के साथ, रेड कलर के साथ अक्षर लिखे हैं, उनको आपने आधा करके शब्द बनाना है। पहला है सत्य, तो उसको आधा क लिखना है सत्य। र को आधा करना है रक्त, श को आधा करना है वन नहीं लगता श के साथ, नाश्ता। इसी तरह कच्चा, वक्त, सज्जन, क्लियर। तो ये थे आपके आधे अक्षर वाले शब्द। और आगे है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, क्या है कृष्ण और डैश पक्के दोस्त हैं, व्योम। आगे है दोनों सुबह डैश करते हैं, यहाँ आप सैर करते हैं भी बढ़ सकते थे, ठीक है, व्यायाम करते हैं भी बढ़ सकते हैं, क्लियर। आगे है कृष्ण डैश का स्मरण भी करता है, ईश्वर का, भगवान का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इस तरह कोई भी एप्रोप्रिएट शब्द भरकर वाक्य पूरा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने दोनों चीजें कर ली, एक ही मात्रा और आधे अक्षर वाले शब्द। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से अब आपको लिखना पढ़ना आ गया होगा और पेपर में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।